पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेट हो रहा है, तो नंदापुर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन पे 20 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है सबसे अधिक जो है। अगर बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, तो मिनिमम टेम्परेचर लगभग सब जगह नीचे गिरे हैं। राउरकेला और सुंदरगढ़ में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस और कोरापुट जो कि हिल स्टेशन है 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भुवनेश्वर में 20.1 और कटक में 20 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अगर बात करें 24 आवर डिफरेंस की, सबसे अधिक जो डिफरेंस आया 24 आवर बालासोर में सबसे अधिक बदलाव देखा, -4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिरा है। अनुगुल का -2, झारसुगुड़ का -1.3, भुवनेश्वर का 0.3 और कटक का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान 24 घंटे में बदलाव देखा गया है। फिलहाल तो उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। अगले 7 डेज के फोरकास्ट में आज जो हमारा जो नवरंगपुर कोरापुट बकावगिरी रायगढ़ गणपति गंजम जहाँ पे एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना, इसी का 23 तारीख को भी गणपति रायगढ़ कोरापुट बकावगिरी में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 24 तारीख को पूरी गंजम गणपति रायगढ़ कालानी नवरंगपुर कोरापुट मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है ईस्टर्ली वेव में ट्रफ की वजह से आने वाले दिनों में। तो अगले 4 से 7 दिन तक वेदर जो है 25 से 28 तक ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अगर हम बात करें टेम्परेचर के फोरकास्ट की, तो उसमें अगले 4 से 5 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। अब बात करते हैं आने वाले सिस्टम में, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है 25 तारीख के अराउंड साउथ अंडमान सी और उसके नेबरहुड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इमर्ज होगी, उसके प्रभाव की वजह से एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है साउथ अंडमान सी और नेबरहुड पे अराउंड 26 नवंबर। यह जो सिस्टम है आगे मूव करने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तरफ मूव करेगा, फर्दर इंटेंसिफाई होने की संभावना डिप्रेशन 27 के अराउंड ओवर साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और ज्वाइनिंग अंडमान सी के ऊपर ये डिप्रेशन के तौर पर 27 बनने की संभावना रखा है।